कल आशिकों का जमाना है और आना जाना लगा रहता है। कोई छोड़ के किसी को जा रहा है, कोई किसी के साथ घूम रहा है, और इस तकलीफ में हम लोग जिंदगी भर मर आ रहे हैं। अपनी पढ़ाई का चैनल है, पता है लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई, उसके लिए दिल से सॉरी। क्या करें, कानपुर से यार नहीं कंट्रोल में होता है, ठीक है। अभी ये तो हम बड़ा कंट्रोल करते हैं इन वीडियोज़ में, कोई गाली गलौज कुछ किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक जो गरिमा है उसको बना के चलते हैं, देख रहे हो भाषा। खैर, और ये भाई पेप्सी कैन है, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि 30 रुपये हमने खर्चा किया है इस कैन के ऊपर, 40 रुपये तो हम पियेंगे। जीरो शुगर है, कोई शुगर नहीं, बस ऐसे ही है, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है और तुम उसमें उदासी में डूबे हो। सबसे पहली बात तुम ये समझ के चलो, जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है वो ऑलरेडी सेल्फिश हो चुका है, ठीक है। अगर उसको रहना होता तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ चीज़ें थोड़ी सी हैंडल करता। वो क्या करता कि चलो अच्छा हम संभालते हैं चीज़ें, अगर नहीं सही जा रही हम लोग भी ठीक कर लेंगे आगे चल के। लेकिन अगर वो छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब वो अभी के लिए सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो सेल्फिश हो रहा है, जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत नहीं है उसकी लाइफ के लिए। समझो बात को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लाइफ के लिए वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, वो तो छोड़ के गया, उसकी ज़िंदगी ऑन ट्रैक आ गई, वो अपनी पढ़ाई में लग गए, सब कुछ करने लगे। तुम क्या कर रहे हो, तुम अरिजीत सिंह की प्लेलिस्ट बजा रहे हो, तुम दोस्तों के साथ बियर गांजा चरस सिगरेट चल रहा है। देखो ये वीडियो बंद दिमाग वालों के लिए नहीं है, उनको ये बातें समझ में आएंगी नहीं, ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, इसमें बिल्कुल घबराने की, डरने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई तुम्हें छोड़ के जाए तो कोशिश ये किया करो, वो जो टाइम तुम वहाँ बर्बाद कर रहे थे 5 घंटे पढ़ाई, अगर तुम अभी आज 5 घंटे करते हो, 5 घंटे और ऐड कर दो, 10 घंटे पढ़ाई चालू कर दो। तकलीफ हद पार होगी, हम इस सिचुएशन से गुजरे हैं इसलिए हम जानते हैं तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो तकलीफ झिल जाएगी जब तुम्हारे ये टाइम यूटिलाइज होगा। क्योंकि मेरी जान, अगर तुमने ये टाइम वेस्ट कर दिया ना कि आसकी में पड़े रहे, तुम उसके बारे में सोच ही रहे हो, ये टाइम चला गया ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट मान लो इस सिचुएशन से निकलने में तुम्हें 6 महीने लग गए, तो ये 6 महीने वापस नहीं आएंगे। अब वो इंसान भी वापस नहीं आना जो गया है, या तो फिर ये होता कि 6 महीने तुम अगर रो लोगे तो वापस आ जाएगा, तब भी वर्थ इट था। वो उसको वापस भी नहीं आना, जो गया वो गया, ठीक है, उसको वापस नहीं आना। उसके चक्कर में तुमने अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट 6 महीने गंवा दिए, 6 महीने तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। अब तुम्हें 6 महीने बाद याद आता है कि यार हमें टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए था। इसलिए शायद मेरा वीडियो रामबाण के तरीके काम कर जाए कि तुम अभी अभी कोई तुम्हें लात मार के गया, तुम अभी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरी जान अभी पढ़ाई चालू कर दो, कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, जो गया है वो वापस भी आ जाएगा, यकीन मानो। तुम अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करो, खुद को इतना ग्रो कर लो कि जो गया है उसको आना पड़े, लेकिन जब वो आए तो उसको आने मत दो। यही होता है एटीट्यूड, इसी में मजा है। देखो ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, टाइम एक दिन का भी वेस्ट नहीं करना है, जैसे कोई भी गया अगले दिन से अपनी तैयारी में लग जाना है, अपने गोल पर फोकस करना है। दुनिया गई इसी तैसी में, सीधी बात, नो बकवास, कुछ भी नहीं करना है, जो गया है गया, अब हमें अपने काम पे फोकस करना है, हमें अपनी लाइफ देखनी है। क्योंकि ये तुमने 6 महीने जो उदासी में गुजार दिए ना, ये वापस नहीं आने बॉस, ये वापस आने ही नहीं है। हो सकता है कि 6 महीने तुम इतना काम कर लो, इतना ग्रो कर जाओ कि तुम्हें बहुत बेहतर लड़की मिल जाए, क्योंकि लौंडों के साथ गलत होता है इसलिए हम बोल रहे हैं, तो तुम्हें हो सकता है कुछ बहुत बेहतर लड़की मिल जाए, इनसे भी बेहतर, जब तुम्हें लगे कि हाँ यार ये तो सही था, तब तुम वहाँ जाके हमें थैंक यू बोलोगे। तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं, बाद में थैंक यू बोलने से अच्छा है अभी बोलो और पढ़ाई चालू कर दो। कोई 1 मिनट भी किसी के लिए वेस्ट मत करो, कोई छोड़ के जा रहा है तो उससे को टाटा बाय बाय, और उसको जो टाइम देते थे वो भी अपनी पढ़ाई में लगा दो। यकीन मानो एक लाइफ है, अगर तुम इमोशन के हिसाब से चलते रहे, अगर अपने मन के हिसाब से चलते रहे, ये तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देगा, सच बता रहा है, ये तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, रोड पे ला देगा। इसलिए जब भी तुम्हारा मन ना हो उस दिन 2 घंटे और पढ़ा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।